Welcome students to the new video, and today we are going to know what is continuity and differentiability. इससे पहले कि मैं आपको इस टॉपिक पे आगे बढ़ूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी हमारी होती क्या है. कंटिन्यूटी इज समथिंग, कोई भी हमारा फंक्शन है एफएक्स, उसका कुछ एक ग्राफ होगा जो हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, इतने सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो किसी फंक्शन का, हर एक फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है. तो मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एंड उसका ग्राफ इज लाइक दिस वेव फॉर्म. सो कंटिन्यूटी इज समथिंग व्हेन दिस एफएक्स, जो हमारे फंक्शन है जिसका हमने ग्राफ क्रिएट करा है, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पे ब्रेकेबल ना हो, ब्रेकेबल ना हो. मतलब कि अगर ये ग्राफ ऐसा होता, यहां से मिटा देता, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता. बट क्योंकि ये ग्राफ अनब्रेकेबल है, कहीं से ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में चले जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो सबसे छोटी बात कंटिन्यूटी के बारे में ये होती है, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करा जाए कंटिन्यूटी के फॉर्मूले की, तो व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूटी. एक्चुअली देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, बट हां हमने जो लिमिट्स एक टॉपिक पढ़ा था अपनी 11th क्लास में, उसे हमें यहां पे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दैट हाउ टू यूज लिमिट्स एंड हाउ टू फाइंड प्रॉपर लिमिट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है. इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी. बस आपका ये तीन चीजें आपकी बराबर आ जानी चाहिए और वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस. कोई भी फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है. उसको वो लोग कह सकते हैं कि एक सी वैल्यू पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है. टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स एट वैल्यू सी, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, और हमें लास्ट में निकालना पड़ेगा एफ सी. एफ सी इज नथिंग बट जिस वैल्यू पे हमें फंक्शन को चेक करना है, हम फंक्शन में सी की वैल्यू एक्स की जगह पुट कर दे, तो उसे हम एफ सी कहते हैं. और काफी सिंपल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है. बस आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, लिमिट्स के गिने चुने 5-6 फॉर्मूले होते हैं बेसिक्स से, ठीक है, उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको कोई इश्यू होगा नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है. तो इस तरीके से कंटिन्यूटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है. इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि देखो इतना टाइम होता नहीं यार वीडियो में, और ना आप लोग इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखना पसंद करते, ठीक है ना. सो वीडियो को पॉज करके देख लिया करो. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमने फॉर्मूला क्या निकाला, कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ सी, ठीक है. अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाले कैसे, ठीक है सर आपने बता दिया लिमिट का यूज करना है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले कैसे. आप लोगों को करना है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा. कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, आपको ये सेम लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, और आपको फंक्शन हमारा क्या था एफ एक्स, हमें एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे सी माइनस एच. एच की वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं होती, एच को एच ही रखा जाता है, ठीक है ना. सो उससे डरने की बात नहीं है कि एच को क्या वैल्यू डाले, बस आप सी की वैल्यू डाल देना जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. अब अगर बात करें हम राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच, मतलब हमें एक्स की जगह यहां पे क्या डालना होता है सी प्लस एच.
देखो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक C की वैल्यू है, C की वैल्यू मान लो 4 है तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि जो हमारी लिमिट दी गई है C इक्वल टू 4 उससे हमें थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ 4 से बिल्कुल H, बिल्कुल ये देखो C माइनस H का मतलब क्या है, C माइनस H का मतलब है जो C की वैल्यू है 4, माइनस H मतलब H बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 4 में से एकदम छोटा सा नंबर माइनस करके हम इसके एकदम पॉइंट इधर आके इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। और C प्लस H क्या होता है कि 4 में कुछ बहुत ही शॉर्ट वैल्यू ऐड करके ये वैल्यू चेक कर लेंगे, तो ये और ये वैल्यू आपस में बराबर आ जाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, LHL और RHL आपस में बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। बट इसी के साथ अगर अपना तीसरा केस और हो जाए, तीसरा केस इन द सेंस क्या, तीसरा केस मतलब कि हम FC भी निकाल डालें। FC कैसे निकालना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, फंक्शन जो है उसकी जगह X की जगह क्या डालना है C, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ही आपका ये चीज आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FC आप लोगों के बराबर आ जाएंगे तो वो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। मैंने इसमें आपको थोड़ा फॉर्मेट और फॉर्मूला वाइज बता दिया है, अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी से छोटे मोटे क्वेश्चंस लेके पिकअप करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा कि यार ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कंसेप्ट समझते हैं उसके जो बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं ना उन्हीं में लगे रहते हैं वो, मतलब टफ क्वेश्चन की तरफ जाते ही नहीं। क्या लगता है कि भैया फॉर्मूला समझ आ गया है, तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें वो लपेटते जाते हैं, अरे मजा आ रहा है फेलते जाओ, अपना क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगी, मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे, बट एंड में आके वो कहते हैं यार ये क्वेश्चन तो करा नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट था। सो आसान क्वेश्चन को पूरा अच्छे से करो, बल्कि मेरे हिसाब से आप आसान क्वेश्चंस कम करिए, जो आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो मैं कर लूंगा उसे तो मत करिए, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से। आप क्वेश्चंस ही वो करिए घर पे बैठ के प्रैक्टिस वर्क, जो टफ क्वेश्चंस हो, क्योंकि टफ क्वेश्चंस में ना कंसेप्ट बहुत अच्छे से यूज होता है और उसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें भी यूज हो जाती है। सो इस हिसाब से आप टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वेदर अगर आप आसान क्वेश्चंस ही करना चाहते हैं तो वो आपको एनसीईआरटी में अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, एनसीईआरटी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, हमने अच्छे से कंप्लीट करके चलना है, क्योंकि उसके मिसलेनियस में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपका जो 100 मार्क्स का 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें अप्रोक्सीमेटली 70-75 मार्क्स या 80 मार्क्स तक भी आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। अब ये तो नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देंगे, बट हाँ एनसीईआरटी से आप लोगों को कवर हो जाता है। जो बचे हुए 20-25 मार्क्स होते हैं उसमें वो लोग थोड़ा हेरा फेरी करते हैं, उसके लिए टेंशन फ्री रहो, उसके लिए बहुत टाइम होगा, पर अपने को पहले 70-75 मार्क्स पक्के करने हैं, मेन गोल आप लोग ये बना के चलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।